नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले आंध्र प्रदेश में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक भ्रारंभा देवी मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और भ्रारंभा देवी के दर्शन आप कैसे करें, यहां पर दर्शन करने के बाद आप कहां कहां घूम सकते हैं, तो ये पूरी ए टू जेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको भ्रारंभा देवी मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखेगा ताकि आपको भ्रारंभा देवी यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं भ्रारंभा देवी मंदिर की। भ्रारंभा शक्ति पीठ मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के परिसर में स्थित इस शक्ति को महालक्ष्मी के रूप में तो वही भैरव को सवरानंद और ईश्वरानंद के रूप में पूजा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि देवी सती की गर्दन का हिस्सा इस पवित्र स्थान श्री शैलम में गिरा था, जिससे कि यह स्थान आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय आकर्षक शक्ति पीठों में से एक है। और इस मंदिर के अंदर में ऋषि अगस्त और उनकी पत्नी लोपा मुद्रा की मूर्तियां भी मौजूद है, जबकि गर्भगृह में श्री यंत्र है। और आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में नल्लमाला पर्वत पर स्थित श्री शैलम भगवान शिव और माता शक्ति के पावन धामों में से एक है, जिससे कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप यहां कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहां पर कई सारे त्यौहार होते हैं जिनमें खासकर सावन, नवरात्रि, दिवाली और महाशिवरात्रि होता है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु श्री शैलम पहुँचते हैं। और वहीं अगर आप गर्मियों के मौसम में श्री शैलम जाना चाहते हैं तो आप श्री शैलम में जाकर के मल्लिकार्जुन स्वामी और माता भ्रारंभा देवी मंदिर के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन गर्मियों के सीजन में यहाँ पर काफी कम भीड़ होती है, जिससे कि श्री शैलम में आपको दर्शन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करें कि आप भ्रारंभा देवी मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाईपास बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप भ्रारंभा देवी मंदिर ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन मार्कापुर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आती हैं, इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप कर्नल सिटी रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से कुर्नूल रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। और कुर्नूल रेलवे स्टेशन से भ्रारंभा टेम्पल की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जिसे आप बाईपास या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके भ्रारंभा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से भ्रारंभा देवी टेम्पल के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए पर पर्सन होता है, और वही शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 600 से 700 रुपए होता है। और दोस्तों यदि आप भ्रारंभा देवी मंदिर फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट हैदराबाद एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से भ्रारंभा देवी टेम्पल की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस, ट्रेन या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से भ्रारंभा टेम्पल के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 350 से 400 रुपए पर पर्सन होता है, और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2500 से 3000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप भ्रारंभा देवी मंदिर बस से जाना चाहते तो आपको इस मंदिर के लिए डायरेक्ट बस आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप भ्रारंभा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की बसों की बुकिंग आप आंध्र प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.aprstconline.com से कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप भ्रारंभा देवी मंदिर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सड़कों पर आपको जगह जगह पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते हुए मौज मस्ती करते हुए भ्रारंभा देवी मंदिर तक अपने निजी वाहन, कार या बाइक से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप भ्रारंभा देवी मंदिर पहुंचने के बाद यहां पे कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहां पे स्टे करने के लिए श्री शैलम देवस्थानम बोर्ड की तरफ से स्टे करने के लिए आपको रूम मिल जाएगा, जिन्हें आप www.srishaildevasthanam.org से ऑनलाइन बुक करके स्टे कर सकते हैं। और अगर आप यहां पे स्टे करने के लिए नॉन एसी रूम लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 600 से 1000 रुपए पर डे का होता है, और एसी का लगभग 1500 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप देवस्थानम बोर्ड की तरफ से रूम लेना नहीं चाहते तो आपको भ्रारंभा देवी मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप 800 से 1500 रुपए बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि यहाँ भ्रारंभा देवी मंदिर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आपको श्री शैलम देवस्थानम बोर्ड की तरफ से भोजन फ्री में मिलता है, जो कि मंदिर के बगल में ही बना हुआ है, जहाँ पर आप जा करके मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। और यह भोजनालय सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और फिर शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक चलता है। और जो लोग इस प्रसादालय में भोजन नहीं करना चाहते तो मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट
फेवरेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि अभ्रारंभा देवी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो इस मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अपने मोबाइल, कैमरा, बैग, जूता, चप्पल आदि जैसे सामानों को अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए सारी चीजों को आप मंदिर के गेट के सामने ही टोकन कटा करके जमा कर दें और दर्शन करने के बाद वापस आते समय टोकन जमा करके अपने सामान को वापस ले सकते हैं। तो अब आप मंदिर में प्रवेश करिए, मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके माता भारंबा देवी के दर्शन करिए, मथे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर यहां पर दर्शन करने के बाद आप मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करिए, जो कि भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इनके दर्शन के बिना भारंबा देवी मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप भारंबा देवी के दर्शन करने गए हैं तो मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों अब बात करें कि भारंबा देवी के दर्शन करने के बाद कहां कहां घूमें। वैसे तो आप यहां पर सबसे पहले साक्षी गणपति टेंपल के दर्शन करें। इस मंदिर के बारे में भक्तों का ऐसा मानना है कि भगवान गणेश जी इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कौन श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं और इस रिकॉर्ड को वो भगवान शिव जी के पास पहुंचा देते हैं, जिससे कि इनके दर्शन के बिना श्री शैलम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर पाताल गंगा घूम सकते हैं। भारंबा देवी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाताल गंगा कृष्णा नदी का बैक वाटर है, जहाँ पर भक्त अपने पापों को धोने के लिए इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ श्री शैलम बांध भी घूम सकते हैं। गहरी घाटियों से घिरा हुआ यह बांध श्री शैलम के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया बेहद ही खूबसूरत बांध है और इस शहर के आकर्षण मुख्य केंद्रों में से एक यह बांध तेलंगाना में भारत की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है और पर्यटक यहाँ पर बोटिंग करते हुए इस बांध का आकर्षक नजारा देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ श्री शैलम टाइगर रिजर्व भी देख सकते हैं। लगभग 3,568 क्षेत्रफल एकड़ में फैला हुआ यह रिजर्व भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्वों में से एक है, जहाँ पर आपको बाघ के अलावा तेंदुए, भालू, भारतीय पेगोलिन, चीतल, सांबर, हिरण आदि कई प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं और इसी के साथ ही इस रिजर्व में आप 1.5 घंटे की जीप की सवारी का भी अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ अक्का महादेवी गुफाएं भी घूम सकते हैं। श्रीशैलम में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक यह गुफा पर्यटकों को घूमने के लिए पूरा दिन खुली रहती है और इस गुफा तक पहुँचने के लिए आपको बास्केट बोट के जरिए नदी को पार करके लगभग 10 मिनट का ट्रैकिंग भी करना होता है और इस बोट की बुकिंग आपको पहले से ही कराना होता है और इसी के साथ ही आप यहाँ पलधारा पंचधारा भी देख सकते हैं। श्रीशैलम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान एक बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक क्षेत्र है, जिससे कि यह जगह शांति के कुछ पल बिताने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसके अतिरिक्त इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि भगवान शिव जी ने प्राथमिक धारा, पाल धारा, पंचधारा के नाम को प्रेरित किया था। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह श्रीशैलम है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम, हाटकेश्वर मंदिर, लिंगाला गट्टू, शिखरेश्वर टेम्पल आदि जैसे श्रीशैलम में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं, घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका भारंबा देवी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप भारंबा देवी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 7,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप भारंबा देवी मंदिर के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और आप यहाँ पर क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और यहाँ पे स्टे करने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करते हैं, तो सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।